once again, welcome to Times Now Summit. We are meeting after a few months. Thank you. Last time you were with us at India Economic Conclave in Bombay. Last time, Dr. Sawant, we spoke about something that is now becoming the reality. Aapki meri baat hui thi ki Goa mein second airport khulne wala hai. Kyunki yahan hum tourism ka revolution aur tourism ke Goa context ko India mein repeat karne ki baat kar rahe hain. To kitna important hai second airport jo ab aap inaugurate karne wale hain aur tourism industry jo Goa mein hai uska potential kis tarah se aap dekhte hain? 16% ki jo aapki GDP hai takriban is already contributed by tourism, both international and domestic. Kitna aapko lagta hai aap use bada sakte hain? Mopa International Airport abhi December mein mein tentatively on the 11th of December Honorable Prime Minister Narendra Modi ji ke haste khulne wala hai. Isse pehle Goa is dependent only on the Dabolim Airport, which is an actually Navy airport. और टूरिज्म स्टेट होने के वास्ते एक्चुअली बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस हमें वहां से रहती थी. अभी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड अगेन इट इज एन कार्गो कैरिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच नॉट ओनली फॉर द गोवा बट आल्सो फॉर द नेबरिंग स्टेट कर्नाटका महाराष्ट्र, इनके लिए भी कार्गो कैरिंग के लिए इट विल हेल्प. दाबोलीम एयरपोर्ट पे ढेर सारी डिफिकल्टीज हमें रहती थी, फ्लाइंग टाइमिंग, फ्लाइंग जोन्स विच इज रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन मॉर्निंग 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक, यानी पब्लिक अपने प्राइवेट फ्लाइट्स वहां से फ्लाई नहीं कर सकते थे, वहां पे लैंड नहीं कर सकते थे. इवन दो देर इज अ नो पार्किंग स्पेस इन द दाबोलीम एयरपोर्ट, सो देर इज अन सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस द दाबोलीम एयरपोर्ट. मोपा एयरपोर्ट खुलने से मुझे लगता है कि वहां पे एबंडेंट पार्किंग स्पेस है और विच इज ओनली फॉर द यानी कार्गो कैरिंग और बाकी सभी टाइम इट विल ओपन फॉर द इंटरनेशनल एंड नेशनल फ्लाइट्स. So which capacity of the 4.5 million in initial stage pe. So definitely it will boost the tourism in the state, or which is approximately tourism, jaise aapne kaha ke almost the 16% of the GDP which caters, or the 40% of the jobs which is also from the tourism industry in a state. Dr. Sawant, ab futuristic tourism ki agar hum baat kare aane wale time mein, because प्राइम मिनिस्टर मोदी का कल अमित शाह जी यहाँ पे थे, उनका कहना था कि ये आजादी के 75 साल के बाद अगले 25 सालों का रोड मैप तैयार करना है ताकि ये एक अमृत काल हो देश जब 100 साल तक आजाद हो. तो फ्यूचरिस्टिक टूरिज्म जो है डॉक्टर सावंत, वो इको टूरिज्म के बारे में है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में है, सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में है. और इस देश में अगर किसी एक प्रांत को उसके लिए लीड लेनी होगी या वो लीड लेने के लिए पॉइज्ड है तो वो गोवा है. जी हाँ, आपकी बात सही है. एक्चुअली जब हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब आजादी के अमृत काल आ गया 25 साल की जब बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि गोवा इस देश की टूरिज्म में राजधानी हो, टूरिज्म की राजधानी इस देश की गोवा हो. क्योंकि एट प्रेजेंट भी डायरेक्ट चार्टर फ्लाइट्स कहाँ कैटर करते हैं, तो गोवा में कैटर करते हैं, विच गिव्स द फॉरेन करेंसी फॉर द स्टेट एंड नेशंस. और इसीलिए एंड विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके. विद द हेल्प ऑफ द स्पेशली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 के बाद पहली बार टूरिज्म के बारे में सोचना स्टार्ट किया. इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी केंद्र सरकार के ने टूरिज्म के बारे में सोचा भी था. स्वदेश दर्शन जैसी स्कीम जो सभी राज्यों के लिए वो अनाउंस की, जिस राज्य ने चाहिए इसलिए स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रसाद स्कीम विच इज एन हेरिटेज स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना, रिनोवेट करना. इसीलिए तो हम गोवा में जो अगवाद जेल म्यूजियम जो हमने रिनोवेट किया, अंडमान का जेल है उसी तरह उसी की धरती पे हमने अगवाद जेल म्यूजियम रिनोवेट किया. द बेसिलिका चर्च फ्रॉम द ओल्ड गोवा विच वी हैव टोटली रिनोवेटेड, मोर देन आई थिंक अप्रोक्सीमेटली द 1000 crores ऑफ रुपीज वी हैव प्रसाद स्कीम से ले चुके हैं, स्वदेश दर्शन से स्कीम ले चुके हैं. बाकी तो रेस्ट ऑल मीन्स मोर देन 20,000 crores ऑफ रुपीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ले चुके हैं, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर सभी जगह हम डेवलप कर ही रहे हैं. इससे जो हम बोलते हैं कि डबल इंजन के सरकार ने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो सी शोर पे हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बाकी इवन दो इन पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, द फ्लोटिंग जेटी कभी सोचा भी नहीं था इस तरह के फ्लोटिंग जेटीज, वी आर क्रूज टर्मिनल सभी,
जो ऑलमोस्ट इस साल तो हम मोर देन 40 टू 50 क्रूज गोवा में आने वाले हैं. इसीलिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इट इज ओनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें डबल इंजन की सरकार के वास्ते मिला इसी वास्ते हम डेवलप कर पाए. अदरवाइज इट इज लास्ट 50 साल में जो नहीं हो सका था इस 8 साल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर पाए और आगे आने वाले. इसीलिए मैं तो बोलता हूँ कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जब टूरिज्म की बात चलती है तो अभी हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तो एक बार पूरा देश देखना चाहिए सभी ने इसीलिए तो कहा. और सभी प्रदेश के लिए विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे कैन डेवलप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टूरिज्म वे एंड मुझे लग रहा है. डॉक्टर सावन, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स और बाकी स्टेट्स के ऊपर बाद में आता हूँ, बट पहले गोवा की बात कर लेते हैं. आपके यहाँ पे प्रेजेंट कैपेसिटी जो फ्लाइट्स की है आने की पर डे वो मेरे विचार में 70-80 है, और अब गोवा में नया एयरपोर्ट आने से इट विल ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट 150-160 तक जाएगी. आपको लगता है कि आपने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है या कर पाएंगे आप आने वाले टाइम में जो कि इस टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लक्स को सस्टेन कर सके? आपकी बात सही है. एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 70 फ्लाइट्स पर डे मैंने दाबोलीम एयरपोर्ट पे आ रहे हैं विच इज एन 20 स्टेट डेस्टिनेशंस विच कवर एंड अप्रोक्सीमेटली 10-12 जो चार्टर फ्लाइट्स बाहर से आ रही हैं. आगे आने वाले दिनों में यानी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 30 डेस्टिनेशंस जो विद इन द कंट्री वो कनेक्ट करने वाले हैं और एडिशनल न्यू इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस अप्रोक्सीमेटली मोर देन 20 डेस्टिनेशंस मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कनेक्ट करें. इसके लिए एट प्रेजेंट हमारे पास कैपेसिटी विच इज एन 73,000 रूम्स विच इज अवेलेबल एट प्रेजेंट इन द स्टेट. और विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स वॉट एवर द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड इन द स्टेट फॉर द टूरिज्म वो हम डेवलप कर रहे हैं. बाकी सभी यानी जो वेलनेस टूरिज्म में हो, मैंने माइस टूरिज्म में हो, स्पिरिचुअल टूरिज्म में हो, सभी जगह पे यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थ्रू द ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस गोवा टूरिज्म बोर्ड हमने फॉर्म किया है. प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को GCCI हो यानी TTAG हो, वर्ल्ड टूरिज्म ट्रेड सेंटर, सभी को 50% लोग वही तो पॉलिसी डिसीजन में सहभाग करते हैं. और जो टूरिज्म बोर्ड के वास्ते हम इस तरह से PPP में मुझे लगता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकेंगे. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स ओनली इट इज पॉसिबल टू डेवलप दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. बाकी उसके लिए जो सभी रोड्स चाहिए, बीचेस पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंटरनेमेंट जाने के लिए अच्छे अच्छे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्राइवेट पार्टनर से ही डेवलप करना पड़ेगा. डॉक्टर सावंत, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स के बारे में कहा और कहा कि गोवा को पर्टिकुलर हेल्प मिल रही है कई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स से टूरिज्म को डेवलप करने में. डू यू थिंक द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड अदर स्टेट्स, पर्टिकुलरली स्टेट्स दैट हैव टूरिज्म पोटेंशियल, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन स्कीम्स की मदद लेकर के टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं? आपके अपने बॉर्डरिंग एरियाज गोवा के जो हैं महाराष्ट्र के साथ में, वो भी शायद उतने ही सुंदर बीचेस और कोस्ट लाइन है जिनको डेवलप किया जा सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस तरह की स्कीम्स हैं जो प्रमोट कर पाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्वदेश दर्शन स्कीम है दैट इज ओपन फॉर ऑल द स्टेट्स, दे कैन डेवलप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर. मुझे लगता है कौन सी भी स्टेट जो ये स्कीम लेके खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं. प्रसाद स्कीम जो सभी स्टेट डेवलप कर सकते हैं, और खास करके द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे हैव गिवन द सेपरेटली 300 crores ऑफ रुपीज टू सेलिब्रेट गोवा एट रेट 60. तो इससे हमने फोर्ट हो, चर्चिस हो, टेम्पल्स हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इवन दो द इंटरलैंड टूरिज्म के वास्ते बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सके. बाकी स्टेट भी इसी तरह से डेफिनेटली डेवलप कर सकते हैं, तभी यानी डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के वास्ते ही आ सकते हैं. और खास करके मैं ऐड करूंगा विच इज द स्वच्छ भारत मिशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टार्ट किया दैट हैव गिवन द बूस्ट फॉर द टूरिज्म इन इंडिया. यानी 2014 में जब से यानी जब तक बीचेस क्लीन नहीं रहेंगे तो कोई नहीं आएगा वहां पे. यानी ऑन द क्लीनिनेस ड्राइव बीच क्लीन रखने के लिए, सेफ्टी टूरिज्म के लिए वी आर स्पेंडिंग सो मच थिंग्स फॉर द क्लीनिनेस. डॉक्टर सावंत, गोवा
को यहाँ सारी ऑडियंस जितनी भी है बाहर और अंदर सब लोग टूरिज्म में नंबर वन टूरिज्म के स्पेक्ट्रम से ही देखते हैं लोग गोवा को नंबर वन उनका. अब यहाँ हमारा टॉपिक है कि हाउ कैन यू रेवोल्यूशनाइज टूरिज्म इन कमिंग डेज इन दिस कंट्री. और ऑब्वियसली स्टेट्स लाइक कश्मीर, स्टेट्स लाइक केरला, स्टेट्स लाइक इवन स्टेट्स सदर्न स्टेट्स लाइक कर्नाटका हैव लॉट ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल. आपका अपना एक्सपीरियंस जो है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट विच इज अ पाइनियर लीडर एंड मोस्टली व्यूड एज फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ टूरिज्म कैसा रहा है विच यू वुड वॉन्ट टू शेयर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड पीपल प्रेजेंट हेयर द कॉर्पोरेट्स द प्राइवेट प्लेयर्स यू सेड. ऐसा क्या हम आने वाले समय में बदल सकते हैं इस देश में जो कि टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे, टूरिज्म को बढ़ाए इस देश में. बिकॉज एज यू सेड कि आपकी इकोनॉमी में 16% का कॉन्ट्रीब्यूटर है एंड इट्स अ वेरी क्लीन कॉन्ट्रीब्यूटर. टूरिस्ट जो जाता है वो उस जगह में जो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है उससे कोई पोल्यूशन बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल स्केल पे नहीं होता, उससे कोई बहुत ज्यादा सोशल अनरेस्ट नहीं होता, इनसाइडर आउटसाइडर की फीलिंग नहीं होती. टूरिस्ट आर ऑलवेज वेलकम. इस देश का लोगो एक जमाने में क्लैरियन कॉल होती थी, हमारी अतिथि देवो भव, उसको हम इंडिया टूरिज्म उसको प्रमोट किया करता था. आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब जो कि आप शेयर कर सकते हैं बाकी राज्यों के साथ, देश के साथ, लोगों के साथ कि किस तरह से टूरिज्म को पिवट में रख करके आप एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात कर सकते हैं. जी, आपकी बात सही है. अतिथि देवो भव, इसी लाइन पे एंड टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं. द फर्स्ट थिंग, ईच स्टेट वॉन्ट टू फाइंड आउट द उनकी स्ट्रेंथ क्या है. सेकेंड इज द वीकनेसेस क्या है. थर्ड द टेक्नोलॉजी कौन सी हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द वी कैन गिव द बूस्ट फॉर द रूरल टूरिज्म. रूरल टूरिज्म के बूस्ट लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं. वी कैन यूज द डिजिटलाइजेशन इन टूरिज्म. सो डिजिटलाइजेशन की जब बात करते हैं हम तो एवरीथिंग इट शुड कम ऑन वन प्लेटफॉर्म. फ्रॉम बुकिंग से लेके सब कुछ हम एक प्लेटफॉर्म से टेक्नोलॉजी के वास्ते स्टेट ला सके तो देन ओनली इट इज अ पॉसिबल, अदरवाइज नॉट. नाउ डे बाय डे द डिजिटलाइजेशन से द फॉरेन कंट्रीज में हमें सब कुछ डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म से मिल रहा है. इसीलिए मैं इस पे कहते वक्त कहूंगा कि आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई द वीकनेसेस एंड यूज द टेक्नोलॉजी फॉर द टूरिज्म पर्पस. देन इट कम्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इट कम्स टू द ह्यूमन रिसोर्स. क्या क्या अपने पास अवेलेबल है. जैसे आपने कहा कि सब कुछ हम आइडेंटिफाई बाद में कर सकते हैं. इसलिए स्ट्रेंथ की देखते हैं तो रूरल टूरिज्म में हम एग्रीकल्चर टूरिज्म, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, इसको सब मार्क करके हम वी कैन प्रोमोट इट द मार्केटिंग. इन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो वोकल फॉर लोकल की जो बात कही थी, इट इज अगेन द सेम थिंग. हमारे जो गांव विलेजेस में क्या है उसको प्रमोट करने के लिए हमने टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़ेगा. डेट इज वीकनेसेस कौन से हैं, उस वीकनेसेस के ऊपर हमें ओवरकम करना पड़ेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल. इट इज द ह्यूमन रिसोर्स. इससे पहले हमारे पास स्किल्ड और स्किलिंग नहीं था. वी हैव स्टार्टेड द स्किलिंग, रीस्किलिंग ऑफ द पीपल. वी हैव स्टार्टेड द इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हम हॉस्पिटैलिटी एकेडमी खोल रहे हैं जो कि जो बच्चे समझो 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड ग्रेजुएट्स हैं उसको स्किल टूरिज्म इंडस्ट्री में किस तरह से करने का. फॉर एग्जाम्पल इन गोवा में आगे आने वाले 4 सालों में हमें मैन पावर रिक्वायर्ड विच इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2 लाख मैन पावर इज रिक्वायर्ड इन आगे आने वाले 4. अभी हमने उनको स्किलिंग और रीस्किलिंग नहीं किया तो सम अदर्स विल कम एंड दे विल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. इसीलिए उसको ह्यूमन रिसोर्स रेडी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स भी रेडी करना जरूरी है. वही हम कर रहे हैं. वही मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ज्यादा भर दिया तो डेफिनेटली इंडिया के हर एक स्टेट टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं. जैसे कि अभी इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म के वास्ते कोई नहीं. नाउ पीपल शुड फील द सेफ्टी. इसी के वास्ते तो अभी जम्मू कश्मीर में लोग जाने लगे. इससे पहले जम्मू कश्मीर में कोई नहीं जाता था. अभी सेफ्टी इज अ मोर कंसर्न फॉर द टूरिस्ट. डॉक्टर साहब आपने टेक्नोलॉजी की बात की, इंटरेस्टिंग बात है. यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों का एक सवाल होगा कि गोवा में ऊबर कब चलेगी. ऊबर एक टेक्नोलॉजी है जिसने सारी देश में दुनिया में हम लोग जाते हैं अमेरिका, आप भी जाते होंगे, तमाम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं इंग्लैंड. हम वहां पे उतरते ही सबसे पहले ऊबर ऐप को ऑपरेशनल करते हैं.
अब आप गोवा जाइए तो आपको सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप गाड़ी का इंतजाम कैसे कीजिए। या तो आप हैगल कीजिए टैक्सी ऑपरेटर्स जो बाहर खड़े हैं एयरपोर्ट पे उनके साथ में, या आप गोवा माइल्स का ऐप चलाइए जो चलेगा नहीं। तो टेक्नोलॉजी जहां तक है डॉक्टर साहब, वो कैसे गोवा में इंप्रूव होगी, उबर कब चलेगी और ओला कब चलेगी वहां पे? आई एम नॉट बीइंग देयर ब्रांड एम्बेसडर माइंड यू। नहीं, आपके बात एट प्रेजेंट देयर इज अ, पहले टैक्सी इशू था, अभी गोवा माइल्स ऐप हमने इंप्रूव कर दिया है। ऑलमोस्ट मोर देन 25% ऑफ द टैक्सीज हैव कम ऑन द गोवा माइल्स। हमारी कोशिश है आगे इस सीजन से 100% हम खुद का ऐप, गोवा टूरिज्म का ऐप हम इस सीजन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोर देन 70% पीपल विल कम ऑन द ऐप। डेफिनेटली आप नेक्स्ट सीजन में जब गोवा आओगे तब टैक्सी ऐप आपको खुद का, हमारा गोवा टूरिज्म का टैक्सी ऐप मिलेगा। So, Dr. Sawant, Chief Minister Goa is promising the entire audience and the entire country that next time you go to Goa, you will have a working app of some kind of transportation. It may not be Ola Uber, and of course, I am not a brand ambassador for Ola Uber. Dr. Sawant, another thing. Agar Ola Uber ya koi bhi app-based taxi service humko chahiye, to uske liye better internet connectivity chahiye. Goa mein, unfortunately, bahut sari jagahon pe abhi bhi internet connectivity ke issues hain. और ये सब लोग जो गोवा गए होंगे ये इन्होंने फेस किया होगा, हम सब फेस करते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं डॉक्टर साहब, वो कब तक आप सॉल्व करेंगे? 5G रोल आउट के साथ में आपने कोई नया प्लान बनाया है सो दैट पीपल हैव बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन द बीचेस ऑफ गोवा, इन द विलेजेस ऑफ गोवा? आप रूरल टूरिज्म की बात कर रहे थे अभी कि कम से इंटरनेट ऐसी चीज, आपने खुद कहा कि सारे प्लेटफॉर्म्स, सारी सर्विसेज को एक सिंगल डिजिटाइज प्लेटफॉर्म पे आना होगा। तो उसके लिए डॉक्टर साहब हमारे को इंटरनेट कनेक्टिविटी, अनब्रोकन इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चाहिए होगी। एट प्रेजेंट देयर इज एन कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम गोवा में अभी भी है। हमारी न्यू पॉलिसी के अंतर्गत वी आर अंडरग्राउंड केबलिंग वो भी चल रहा है, और इवन दो द टावर पॉलिसी फाइनलाइज की है, मुझे लगता है आगे आने वाले विद इन अ ईयर विल कंप्लीट द कनेक्टिविटी इन द स्टेट, एटलीस्ट एट द कोस्टल विल कंप्लीट कनेक्टिविटी रहेगी। And is there any issue of CRZ or is there any NGT related issues जिसकी वजह से ये connectivity में समस्या होती है, या उन issues को आप अलग level पे, अलग forums पे tackle कर रहे हैं? CRZ definitely coastal state होने के वास्ते तो CRZ तो गोवा में रहेगा ही, we are tackling with the CRZ issue। और बाकी लोग तो environmentalist गोवा में ढेर सारे है, तो फिर ऑलवेज दे आर फाइलिंग द डिफरेंट केसेस इन एनजीटी, वो तो प्रॉब्लम हमेशा गवर्नमेंट टैकल करती रहेगी। बट डू यू थिंक दैट इन डेज एंड मंथ्स एंड इयर्स टू कम, एटलीस्ट 1 year, 2 year, 5G रोल आउट ऐसा होगा कि गोवा में कनेक्टिविटी के इश्यूज कम से कम खत्म हो जाएंगे, लोगों को जहां से चाहेंगे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं? आगे आने वाले 1 साल के अंतर्गत हम कनेक्टिविटी इश्यू का रिजोल्व कर देंगे। So, 1 साल में आप ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज और इंटरनेट दोनों? जी हाँ, बिल्कुल। यू गाइस कैन प्लान योर ट्रिप टू गोवा इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, यू नो, एंड चेक डॉक्टर सावंत ऑन हिज प्रॉमिस। थैंक यू डॉक्टर सावंत। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन गोवा एंड इन एवरीवेयर एल्स, यू नो, गोवा हैज सम प्रॉब्लम्स बट एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हियर ऑफ आर यू नो विमेन पार्टिसिपेशन, इमेनिसिपेशन and single women traveler, you know, increasingly girls travel on their own, women travel on their own, they travel single, they travel in a bunch like men used to do earlier. Safety of women is a very important aspect. In some cases things have gone wrong in Goa, and countrywide also, Dr. Sawant, at this point in time there is a huge UN cry apropos crime against women. That the security and the safety that the daughters of this country deserve, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो आप एटलीस्ट गोवा जैसी जगह में जहां बहुत सारे सिंगल महिला ट्रैवलर अकेली जाती हैं और लड़कियां एक ग्रुप में, बंच में भी जाती हैं, उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंश्योर करने के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स ले रहे हैं, पर्टिकुलरली बीचेस पे और पर्टिकुलरली रात के समय? गोवा में हमेशा के लिए वुमेन सेफ्टी के लिए प्रायोरिटी दी है, और गोवा पुलिस ने पिंक फोर्स स्पेशली फॉर द वुमेन्स हमने स्टार्ट किया है। हमेशा के वक्त यानी कोस्टल बीचेस पे हो या पुलिस स्टेशन पे हो, यानी वुमेन पुलिस विथ टोटल पिंक पुलिस फोर्स द व्हीकल, उसमें सभी वुमेन ही जो रहते हैं, जो हमेशा एक कॉल पे
यानी वुमन पुलिस एट 24/7 हमेशा के लिए अलर्ट रहते हैं, कभी भी कॉल किया तो उस वक्त वहां पे पहुंच जाते हैं। दिस इज द स्पेशलिटी गोवा में है। बाकी तो टूरिस्ट पुलिस है जो हमेशा के लिए अवेलेबल है। एवरी पुलिस स्टेशन पे वुमन PSI अवेलेबल है 24/7। कॉल सेंटर 100 डायल वो या 102 डायल वो, विद इन द 5 to 10 minutes पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। यानी सेफ्टी इश्यूज पे गोवा हमेशा के लिए तत्पर रहता है। और डॉक्टर सावंत, अब मैं आपसे जनरल पूरे देश के सिलसिले में ये सेम सवाल पूछता हूँ। आपको लगता है कि अगर हम महिलाओं की सिक्योरिटी सुरक्षा बेटर तरीके से इंश्योर कर सकेंगे इस देश में, तो जो महिलाओं का टूरिज्म है, यानी लड़कियों का अपने आप ट्रैवल करना, अकेले ट्रैवल करना, ग्रुप में ट्रैवल करना, दादी नानी के साथ में ट्रैवल करना, वो बढ़ेगा और उनको ये जो मेल एस्कॉर्ट की जरूरत हमेशा से है वो खत्म होगी और वो भी एक टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम कर सकती है? जी, आपके बात सही है। हमारे मैंने हमेशा के लिए मैंने वुमेन्स को भी सिंगल ट्रैवल करना हो या वुमेन्स ग्रुप में ट्रैवल करने चाहिए और उनके सभी जगह पे सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, और सभी ने उसकी चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर सावंत, अगेन लेट मी टेक यू बैक टू द नेशनल लेवल, बिकॉज हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनली मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट के आने के बाद से कितना इम्प्रूव हुआ है और आने वाले टाइम में कैसे उसको हम रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं इस कंट्री में। डॉक्टर सावंत, मकाऊ जैसे कंट्री हैं, आपकी मेरी दिन में बात हो रही थी, मकाऊ जैसे कंट्री हैं ग्लोबली दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। बैंकॉक, थाईलैंड जैसे जगहों में हमसे कई गुना टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं, कई गुना टूरिस्ट हमसे ज्यादा जाते हैं, छोटे से देश हैं। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद, तमाम तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स होने के बावजूद, प्रिस्टीन बीचेस, डेजर्ट, माउंटेन्स, हिंटरलैंड प्लेन्स, सब कुछ होने के बावजूद, वेयर आर दी लैकिंग इन आवर टूरिज्म अप्रोच टू टूरिज्म कि हमारे देश में उतने टूरिस्ट नहीं आ रहे? लास्ट साल 60 साल में हमने कभी टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर फोकस ही नहीं किया है। इसलिए जैसे आपने कहा कि पूरे हमारे हिंदुस्तान में डेजर्ट है, सीशोर है, हिमालयन है, इंटरलैंड है, सब कुछ है, यहाँ पे क्या नहीं है आप बताओ मुझे, सब कुछ है। ये होते हुए भी हमारा देश टूरिज्म में बहुत ही पीछे था। अभी रिसेंटली जो सर्वे आया 2017 का, उसमें हम 12 नंबर पे आके रुके हैं, वो भी यानी 2014 के बाद जो रिवीजन इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ उसी के वास्ते हुआ, अदरवाइज कभी भी टूरिज्म इंडस्ट्रीज के बारे में सीरियसली नहीं सोचा था। आप नॉर्थ ईस्ट में देखो, जब तक यानी एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा तब तक लोग ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देयर शुड बी द सेफ्टी, देयर शुड बी द सिक्योरिटी, देयर शुड बी द इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर शुड बी द ह्यूमन रिसोर्स और डिजिटलाइजेशन, इनके ऊपर ही फोकस देना पड़ेगा। 2014 के बाद यानी जो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने लगा, इसी के वास्ते टूरिस्ट यानी विद इन द कंट्री ट्रैवल करने लगे, आउटसाइड द कंट्री यानी लोग अपने देश में आने लगे हैं। यानी इसीलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करना उचित रहेगा, डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस करना उचित रहेगा। और अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट, बाकी स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं इसके ऊपर डिपेंड है। डॉक्टर सावंत, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स आपने कह दिए, अब आप यू थिंक कहीं ना कहीं हमारा एफर्ट जो है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग इंडिया एज ए डेस्टिनेशन, जो हमारे कैंपेन्स रहे हैं पास में अतिथि देवो भव टाइप के कैंपेन रहे हैं, या केरल ने एक बड़ा सक्सेसफुल कैंपेन चलाया था गॉड जोन कंट्री करके, वो जो मार्केटिंग इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही लैकलस्टर और लैकिंग रहा है, और वो शायद 2014 के बाद भी बदला नहीं है डॉक्टर साहब, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं। एक्चुअली होल एज अ इंडिया, यानी बाहर जब हम फॉरेन कंट्री जब मार्केट करते हैं तो होल एज अ इंडिया मार्केट होना चाहिए था, पूरे देश का मार्केट, नॉट एज अ स्टेट एज अ सिंगल। जैसे कि आपने बताया कि केरला अपना मार्केट कर रही है, बाकी कौन सी स्टेट अपना मार्केट कर रहे हैं, तो पूरे जब देश की बात चलती है तभी सभी एक साथ में सभी स्टेट्स का टूरिज्म के बारे में मार्केट हुआ तो उसका ज्यादा फायदा पूरे देश को हो सकता था, वो नहीं हुआ था, लेकिन 2014 के बाद वो भी होने लगा है। आप फिर भी यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट की एड्स देखो, जब हम फॉरेन कंट्रीज में हुआ बाकी सभी स्टेट्स का सभी टूरिज्म दे आर एडवर्टाइजिंग प्रॉपरली एडवर्टाइज कर रहे हैं।
सो पूरे देश के लेवल पे आपको लगता है कि 2014 के बाद से वो अच्छी मार्केटिंग हो गई है और अच्छी हो सकती है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, होने स्टार्ट हुई है जब तक, मैं ऐसा नहीं, 2014 के बाद अच्छी तरह से मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है, इसीलिए तो फॉरेन कंट्रीज से ज्यादा टूरिस्ट इंडिया में बाकी सभी स्टेट्स में आने लगे हैं। गोवा में तो हमेशा के लिए चार्टर फ्लाइट्स डायरेक्टली फ्लाई करते हैं, अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम द रसिया यूके, यहाँ के फ्लाइट्स हमेशा के लिए गोवा में आते हैं, विच गिव्स बूस्ट फॉर द इकोनॉमी आते हैं, इसीलिए तो बाकी जगह भी चार्टर फ्लाइट्स आने चाहिए ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर साहब मैं आपको वापस एक बार लेके चलता हूँ, अभी हमने सिंगल ट्रैवलर की बात की, सिक्योरिटी की बात की, मैं आपको एक बार दोबारा से लेके चलता हूँ। आपने कहा कि आपको रीस्किलिंग अपस्किलिंग की जरूरत है लोगों के जो टूरिज्म सेक्टर में काम करें, बट आपको उसके साथ साथ ये नहीं लगता है डॉक्टर साहब कि जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट की कैपेसिटी है, आपकी गोवा की कैपेसिटी हो या बाकी राज्यों की कैपेसिटी हो, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टूरिस्ट इन दिस कंट्री, उसको भी हमें अब बढ़ाने की जरूरत है। टूरिस्ट पुलिस का अगर हम एक सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने ट्रैवल किया होगा देश में, विदेश की बात तो नहीं कर सकते, बट देश में ट्रैवल किया होगा और इनको बहुत सारे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, चाहे वो पुलिस के देर से पहुंचने के हों, ना आने के हों या ना अवेलेबल रहने के हों। तो आपको लगता है कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली हमको एक लॉ एनफोर्समेंट पे स्पेशल फोकस देके, इन्वेस्टमेंट देके उसको भी इस समय सुधारने की जरूरत है, न केवल गोवा में बल्कि देश भर में? जी आपकी बात सही है, हर एक स्टेट ने सेफ्टी और सिक्योरिटी टूरिस्ट की सोचनी चाहिए। मैं जैसे बताते हूँ कि गोवा में स्पेशल टूरिस्ट फोर्स अवेलेबल है, पिंक फोर्स अवेलेबल है और कोस्टल पुलिस स्टेशन अवेलेबल है एंड विच इज ओनली फॉर द टूरिस्ट पर्पज। इसीलिए बाकी स्टेट ने भी टूरिस्ट के बारे में ऐसे सोचा, यानी जहाँ पे फोकस ज्यादा करके टूरिस्ट आते हैं उसके लिए सिक्योरिटी के बारे में स्पेशल टूरिस्ट फोर्स अवेलेबल रहना चाहिए। तो डेफिनेटली ये हो सकता है गोवा जैसे छोटे राज्य में, यानी पिंक फोर्स हम डेवलप कर सकते हैं, तो वाई नॉट इन अदर स्टेट। बड़े स्टेट में तो जहां जहां पे टूरिस्ट की ज्यादा रेलचल रहती है वहां पे टूरिस्ट सिक्योरिटी के लिए डेडिकेटेड टूरिस्ट फोर्स, पुलिस फोर्स वो अवेलेबल कर सकते हैं। लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा हमारे को करनी पड़ेगी अगर हमें टूरिज्म को रेवोल्यूशनाइज करना है इस देश में अगले 25 सालों में, जो टॉपिक हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। जी आपकी बात सही है, लॉ एंड ऑर्डर में सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डॉक्टर सावंत अब एक बार हम फिर नेशनली बात करते हैं, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी या नेशनल टूरिज्म आउटलुक की। आपने कहा कि मोदी जी के आने के, सरकार के आने के बाद 2014 में बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे स्कीम्स ऐसी लॉन्च हुई जो जिनका सभी राज्यों को फायदा लेना चाहिए, तो डॉक्टर सावंत ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिनमें से आपने गोवा में बहुत फायदा लिया और जिनसे ये तमाम लोग जो गोवा के टूरिस्ट हैं उनकी लाइफ इजी हुई, जो कि नेशनल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है आपके लिए? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरफ से हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमें फंडिंग्स मिली उससे इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सके। फॉर एग्जांपल अभी आप मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली वी हैव क्रिएटेड द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑफकोर्स नाउ द सेकेंड जुआरी ब्रिज, थर्ड मांडवी ब्रिज आपने देखा है, मांडवी पे दो ब्रिज होते हुए भी तीसरा मांडवी ब्रिज हमने बना दिया, सेकेंड जुआरी ब्रिज अभी हम बना रहे हैं और रिवॉल्विंग टॉवर जो हम जुआरी पे बनाने वाले हैं, इट इज वन ऑफ काइंड, मुझे लगता है स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम आगे बनाने वाले हैं। इसी तरह से विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सके, अदरवाइज अगेन द जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही तो जो स्पेशली बीचेस पे ब्लू बीच जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी स्वदेश दर्शन प्रसाद, आर्कियोलॉजी और आर्काइव्स के जो बाकी सभी स्कीम्स जो हम आर्कियोलॉजी और आर्काइव्स प्रमोट करने के लिए, हेरिटेज टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, हिंटरलैंड टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, कैप्टन ऑफ पोर्ट के थ्रू ऑल द जेटीज डेवलपमेंट इसके लिए जो हम प्रमोट कर रहे हैं, डेट ऑल द स्कीम ईच एंड आजादी का अमृत महोत्सव इसी के ऊपर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो आत्मनिर्भर भारत योजना निकाली, उस आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत कोविड के बाद हर एक डिपार्टमेंट की अलग स्कीम थी
और हर एक डिपार्टमेंट्स के थ्रू मुझे लगता है हर एक स्टेट्स को अलग से वो स्कीम प्रमोट की थी. जिस स्टेट ने वो स्कीम ले चुके इसके लिए उसका फायदा मिला. अगेन फॉर एग्जाम्पल मैं बात कहूँ तो गोवा जैसे स्टेट के लिए ब्लू इकोनॉमी विच इज बेनिफिटेड मोर यानी फिशिंग इंडस्ट्री गोवा में है विच इज अगेन रिलेटेड टू द जितने ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो ज्यादा फिश प्रोडक्शन हमें लगेगा तो ब्लू इकोनॉमी की बात चली. इट इज द सेम वे. और डॉक्टर साहब आपको लगता है कि जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है आपको टूरिज्म डेवलप करने के लिए इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके नेबरिंग स्टेट्स में पर्टिकुलरली महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में भी अगर आए तो आपका एक कंसर्टेड जोनल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर रहे जिससे अगर कोई टूरिस्ट अगर सिर्फ गोवा नहीं जाना चाह रहा है कुछ दिन गोवा में गुजार के आसपास जाना चाह रहा है तो वो दैट वुड बी अ बेटर प्रोडक्ट पाइपलाइन एटसेट्रा. जी हाँ आपने बात सही कही क्योंकि इससे पहले सिंगल एयरपोर्ट होने के वास्ते पूरे देश में बाकी हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं थी. अभी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के बाद अनदर 20-30 स्टेट की कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगी. दिस कनेक्टिविटी विल प्ले द मेजर रोल इन द टूरिज्म. सो अब नॉट ओनली द महाराष्ट्र कर्नाटका द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से पूरी कनेक्टिविटी गोवा से हो जाएगी. तो टूरिस्ट जो फॉरेन टूरिस्ट गोवा में आता है वो हमेशा ट्रेवल करना बाकी जगह भी चाहता है लेकिन देयर इज कनेक्टिविटी न होने के वजह से वो ट्रेवल नहीं कर पा रहा था. इसीलिए मुझे लगता है दिस विल हेल्प मोर फॉर द टूरिज्म. डॉक्टर सावंत एक कंसर्न रहता है लोगों का गोवा को लेकर पर्टिकुलरली वो कंसर्न शायद और राज्यों में भी रहता होगा लेकिन गोवा चूंकि छोटा राज्य है और लोग काफी ट्रैवल कर लेते हैं वहां पहुंचने के बाद कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे अगर आपको पैंजिम से मोरजिम जाना है तो उसमें जो सड़कें हैं या जो जिस तरह का आपका पैंजिम का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप हाईवेज डेवलप कर रहे हैं वो उसको मैच नहीं करता है. वो इसलिए नहीं हो पाता है डॉक्टर सावंत कि वहां पंचायत की रेजिस्टेंस है एक्टिविस्ट की रेजिस्टेंस है या गवर्नमेंट का कोई लैक ऑफ मोटिवेशन है उसके अंदर. नहीं गोवा इज ओनली द 3,702 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज ऑल्सो द कंसर्न. इसलिए वहां पे दोनों चीज है यानी एक्टिविस्ट भी है बाकी एरिया कंसर्न होने के वास्ते भी है. नाउ वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट विद द वॉटर टैक्सी फॉर द टू डेवलप्ड विद द हम सोच रहे कि सभी जगह पे यानी एयरपोर्ट आप दाबोलीम एयरपोर्ट पे उतरे तो वॉटर टैक्सी हम स्टार्ट करने की सोच रहे इन फ्यूचर. आगे आने वाले के एक साल में आपको गोवा में ज्यादा करके वाटर टैक्सी भी मिलेगी सो यू कैन ट्रेवल थ्रू द वाटर टैक्सी. एज अ थर्ड प्रॉमिस डॉक्टर सावंत इज मेकिंग आफ्टर द ऐप बेस्ड टैक्सी डिजिटाइजेशन एंड वाटर टैक्सी सर्विसेज दैट यू कैन हैव वेरी शॉर्टली इन गोवा. डॉक्टर सावंत लेट मी कम बैक. एक्टिविस्ट की जो बात कर रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. अब वो 2014 में मोदी जी की सरकार के आने के बाद तो एक बात है पर अब आपके भी 3 साल हो गए हैं डॉक्टर सावंत एज चीफ मिनिस्टर. दिस इज योर सेकेंड टर्म. Now you have a whooping mandate, even bigger than what you actually won. Now in this situation, I'm quite sure that you have become quite an expert, Dr. Sawant, in handling all kind of activists and all kind of activism in Goa. So now you can't take this excuse, Dr. Sawant, that in Goa Pradesh, there are some powers that are not giving work. This excuse you can't take, Dr. Sawant. Time is behind you. हमने बहाना कभी लिया नहीं है गोवा के विकास में और हमेशा के लिए मैं काम करता आया हूं और विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज तक मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि गोवा इज सेलिब्रेटिंग 60 इयर्स. हम 60 साल हमारे मना रहे हैं क्योंकि 14 साल हम लेट लिबरेशन हमें मिला था आपको भी पता है 1961 वी आर लिबरेटेड. उसके बाद में भी कंपेरिजन विद द स्मॉलर स्टेट गोवा की जो विकास हुआ है बहुत अच्छा विकास हुआ है लेकिन लास्ट 10 साल में ने जो 50 साल में न हो सका था उतना अच्छा विकास हम 2012 से लेके 2022 तक हम कर पाए चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट में हो. खास करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन आत्मनिर्भर भारत जो उनका विजन था वो विजन हमने स्वयंपूर्ण गोवा मीन्स द सेल्फ रिलायंट गोवा में कन्वर्ट कर पाए. उसकी कॉग्निजेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ली और विच स्वयंपूर्ण गोवा के प्रोग्राम के अंतर्गत हम हर विलेज तक पहुंचे हैं विच इज एन सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशिकल्चर डेयरी और इंक्लूडिंग द स्किल डेवलपमेंट द स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 जो मिशन हमने स्टार्ट किया है इसमें हमने इस बार ज्यादा करके फोकस किया है विच इज एन स्किल एम्प्लॉयमेंट पे स्किल डेवलपमेंट पे
जो स्किल मैनपावर जो गोवा में चाहिए वो वहां के वहां तैयार हो, इसीलिए हम काम कर रहे हैं, उसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। डॉक्टर साहब, एक नेचुरल सा चैलेंज रहता है हमेशा जब भी टूरिज्म बढ़ता है किसी में, आपने खुद ही कहा कि बहुत छोटा सा प्रदेश है 3702 स्क्वायर किलोमीटर का, आबादी भी बहुत लिमिटेड है, ओरिजिनली 15 लाख की शायद आबादी होती थी, अब बढ़ गई होगी शायद कुछ। एक नेचुरल कंसर्न रहता है कि बहुत सारे टूरिस्ट अगर कहीं जाएंगे, गोवा इस देश की और इंटरनेशनली भी एक नंबर वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आती है, बहुत सारे टूरिस्ट कहीं जाएंगे तो एक लोकल्स वर्सेस आउटसाइडर्स का कॉन्फ्लिक्ट और एक इकोसिस्टम जो है, जो इकोलॉजी है एक्चुअली, उसके खराब होने का रिस्क, वो दोनों ही बड़े बनते हैं। और अभी वहां गोवा में मैं देख रहा हूं कि एक रेजिस्टेंस आ रही है कि पर्टिकुलरली आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का ये कहना होता है कि कोशिश ये है डॉक्टर सावंत की सरकार की, बीजेपी की सरकार की, कि किसी तरह का गोवा के विलेजेस में घुसा जाए, गोवा के विलेजेस की जो प्रिस्टीननेस है उसको खत्म किया जाए, वहां पे एंट्री की जाए। तो हाउ विल यू पुट अ सेफगार्ड अगेंस्ट दैट डॉक्टर सावंत, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पर्टिकुलरली आपकी लोकल पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सस्टेनेबल टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि लोकल वर्सेस आउटसाइडर्स, ये टूरिज्म के वास्ते कभी नहीं होता है, अतिथि देवो भव, इसी लाइन पे सभी टूरिज्म इंडस्ट्री का लोगों का हमेशा के लिए अभी विलेजेस में भी स्वागत करने लगे हैं और हमेशा के लिए इससे आगे भी, एंड इंटरलैंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी हमेशा के लिए अभी होम स्टे जो कंसेप्ट अभी गोवा में स्टार्ट किया है, गोवा के रिमोट विलेजेस में भी अभी जैसे सांगे केपे जैसे विलेजेस में जहां स्ट्रॉबेरी तैयार होने लगे, वहां पे होम स्टे कंसेप्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट कंसेप्ट पे होम स्टे कंसेप्ट स्टार्ट किया है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बढ़ावा और टूरिज्म को देंगे, यानी 15 लाख पॉपुलेशन में भी वी आर कैटरिंग द मोर एंड मोर टूरिज्म और द क्वालिटी टूरिस्ट हम सोच रहे हैं कि गोवा में आने की बात हम कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि उससे कोई गोवा की जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है, या लोगों का कहना है कि वेस्टर्न घाट्स का इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है, उसको कोई खतरा, या आपको लगता नहीं है कि उससे कोई चैलेंजेस आपके सामने आएंगे जिनको आपको पर्टिकुलरली आने वाले टाइम में डील करना पड़ेगा एज ए गवर्नमेंट? वो तो वेस्टर्न घाट्स और इसके लिए तो हम हमेशा के लिए डील तो कर ही रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जब टूरिज्म इकोनॉमी की बात रही तो हम सस्टेन करके ही हमें आगे जाना पड़ेगा। इससे आगे यानी अब तक सिर्फ ओनली द सी शोर पे टूरिज्म लाइंस रहते थे, नाउ द पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स द हिंटरलैंड, तो फिर वहां पे भी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये हमारे लिए उचित रहेगा, क्योंकि टू सस्टेन करने के लिए दैट मच इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड टू क्रिएट। डॉक्टर सावंत, आपके बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं, अब ये मुझे नहीं पता कि पूरे देश का ये हाल है, लेकिन आपके गोवा के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमेशा कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। वो आपका एक रेल लाइन बन रही थी उसको लेकर बहुत विवाद हुआ कि साहब ये तो माइनिंग एक्सप्लॉयटेशन कोल को लेकर के है, और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जब इलेक्ट्रिसिटी का पावर ग्रिड को एक्सपैंड करने की बात हुई उसको लेकर भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई कि साहब इसके लिए बहुत सारे पेड़ काट दिए जाएंगे। तो ऐसे चैलेंजेस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करने में गोवा जैसे स्टेट में, डू यू थिंक कि आप यू कैन फाइंड योर वे टेकिंग पीपल अलोंग, या ये चैलेंजेस रहेंगे और उसके साथ ही काम करना पड़ेगा? व्हाट डू यू सी एज अ फ्यूचर रोड मैप ऑन दैट? आपने जो कहा कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये आपकी बात सही है कि हमेशा के लिए गोवा में एनवायरमेंट के वास्ते कंसर्न रहते हैं, लोग भी कंसर्न रहते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट ऑल्सो ऑलवेज गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी में गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस फाइल करते रहते हैं। आपकी बात सही है, यानी आप नेशनल हाईवे की बात कर रहे थे, रेल प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, आप टमनार प्रोजेक्ट विच इज एन इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शंस ओनली वी आर गोइंग अहेड विद द टमनार प्रोजेक्ट, अपने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और रेल प्रोजेक्ट के बारे में। इसके सिवाय यानी हम इकोलॉजी, फ्लोरा एंड फोना डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी मच कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट ऑफ स्टेट। Do you think, Dr. Sawant, is there any truth in the allegation that is leveled against your government कि आप गोवा के जो गांव हैं उनमें push करना चाहते हैं commercial activities को, और इसीलिए पंचायतों से resistance आती है और इसलिए आप उसको वो political एक movement बन जाता है जिसको आप activists की बात कर रहे हैं? जी नहीं, हम किसी यानी push नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी गोवा यानी नॉट ओनली आपने भी देखा होगा क्योंकि पूरे कोस्टल बेल्ट में सभी विलेज पंचायत एरिया तो है,
जहाँ पे हमारे कोस्टल बीचेस हैं, सीनिक बीचेस हैं, विच इज एन अगेन द पंचायत एरियाज है, वहाँ पे अभी 5-star होटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगा. देर इज अ क्लैशिज बिटवीन द पीपल एनवायरमेंटलिस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने, तो वहाँ केसेस बाकी सब कुछ फाइल करने रहते हैं. लेकिन गवर्नमेंट इज इंटेंशन इतने टूरिस्ट हमें हैंडल करना है तो दैट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड इन द स्टेट. कैन यू एक्सप्लेन टू दिस टू गोवंस? हाँ, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि 2022 के इलेक्शन से पहले मैंने यही तो एक्सप्लेन किया, वो करने के बाद भी मुझे मेजोरिटी मिली है तो लोगों को पता चला है, एंड दिस इज द वे यू वांट टू गो अहेड. आप ये कहना चाह रहे हैं कि गोवंस ने आपकी बात मान ली है? जी हाँ, बिल्कुल. नहीं तो नहीं मानते तो 2022 में मैं रिपीट नहीं होता था. और अब बाकी लोगों को देश में आपको ये बात मनाने की जरूरत है कि इकोनॉमिकली सस्टेनेबल एंड इकोलॉजिकली फिजेबल डेवलपमेंट, और यू कैन पुट इट इन रिवर्स ऑल्सो, इज पॉसिबल. जी हाँ, मैं एक बात कहूंगा कि इकोनॉमिकली सस्टेनेबल एंड इकोलॉजिकली हमने डेवलपमेंट करनी चाहिए. हाँ जी हाँ, थोड़ी बहुत तो एनवायरमेंटल डैमेज तो होती है, मैं ना नहीं कहूंगा, लेकिन हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए तो इस तरह से आगे जाना जरूरी है. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एनी स्टेट, फॉर द एनी गवर्नमेंट टू डू द डेवलपमेंट. इसीलिए लोगों ने भी सोचना चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए तो थोड़ा बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा. थोड़ा बहुत कष्ट वो सहन करने के लिए तैयार है डॉक्टर साहब, वो बड़ा कष्ट होता है तो फिर प्रॉब्लम बनती है. बट मैं आपको लेट मी कम बैक टू अ मोर. कुछ लोगों को तो कुछ प्रोजेक्ट के लिए विरोधी करना रहता है. मैं बता देता हूँ कि मांडवी का थर्ड ब्रिज आपने देखा, उस मांडवी के थर्ड ब्रिज के लिए भी लोग कोर्ट में गए थे. मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसके लिए भी लोग कोर्ट में गए थे. इसके लिए तो हम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तो हमारी 2 साल वेस्ट हो गई. ने 2 साल पहले मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता था, मांडवी ब्रिज तो 1 साल पहले बन चुका होता. देयर इज अ डिले होने के कारण इतना सारा फाइनेंशियल लॉस स्टेट को हुआ, और इतने सारे प्रोजेक्ट बहुत जल्दी हो सकता था. वो देट इज अ लॉस फॉर द स्टेट एंड कंट्री. तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि ये आंदोलन जीवी है जो आंदोलनों पर ही जी रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, वो तो बात सही है. इसी के लिए तो जो देश के विकास के लिए विरोध कर रहे हैं उन्होंने सोचना चाहिए, यानी देश आगे जाना चाहिए तो देश के विकास के लिए विरोध मत करो, गति मत रुकाओ. तो प्रोफेशनल आंदोलनजीवियों के लिए मैसेज है आपका, आप वैसा ही समझो. डॉक्टर सावन, मैं आपको वापस एक बार लेके आता हूँ नेशनल स्कीम्स टूरिज्म की, और नेशनल स्कीम्स के एक्सपेंशन के बारे में आप जो बात कर रहे हैं. हमारा कंसिस्टेंटली डॉक्टर सावंत एक कंसर्न रहा है इस देश में कि टूरिज्म सेक्टर को जो पैसा या फंड अलॉट होने चाहिए टू अट्रैक्ट द नंबर ऑफ टूरिज्म दैट वी वांट टू अट्रैक्ट. जैसे मैंने आपसे कहा कि थाईलैंड जैसे छोटे से देश, या मकाऊ जैसे छोटे से देश, या तुर्की जैसे छोटे से देश हमसे कई ज्यादा नंबर्स में टूरिस्ट अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हुई है हमारे देश में, और शायद 2014 के बाद में भी नहीं हुई है. मैं तो बोल रहा हूं कि 2014 के बाद हो रही है, उससे पहले नहीं हुई थी, इसलिए हम सफर हो रहे हैं. क्योंकि जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए क्रिएट नहीं होगी तब तक हम इस तरह से इस लेवल पे फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. इसीलिए तो बोल रहा हूं कि हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हर एक जो उन्होंने मिशन स्टार्ट किया है, जो क्लीन इंडिया मिशन, फिट इंडिया मिशन, स्टार्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, एवरीथिंग विच इज को रिलेट अगेन टू द टूरिज्म एक्टिविटी, आप देखो, क्योंकि हर एक मिशन वो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है. स्किल इंडिया मिशन विच इज अगेन फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री. इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम जो ह्यूमन रिसोर्स की बात करें उसी के ऊपर तो कर रहे हैं. दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट. मैंने इसलिए कहा था कि इससे पहले जो जम्मू कश्मीर वहां जाना कौन प्रीफर करता था, नॉट मुझे फॉरेन टूरिस्ट छोड़ दो, इंडियन टूरिस्ट जाना भी प्रीफर नहीं करता था. तो नाउ द पीपल आर स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स दैट. व्हाई? बिकॉज दे फील देर इज अ सेफ्टी, देर इज अ सिक्योरिटी, इसीलिए तो जा रहे हैं. दैट इज दैट कोरिलेशन बिटवीन एवरीथिंग. सो माई लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर सावंत, बिकॉज आर नेक्स्ट गेस्ट मिस्टर रिजिजू इज अ वेरी बिजी मैन एंड ही हैज टू गो टू द प्रेजिडेंट हाउस आफ्टर दिस, एंड आई विल नॉट होल्ड हिम बैक. आपको तो मैं थोड़ा देर रुकने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा. डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल ये
फाइनली ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चरली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, जैसा कि चाहे वो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेट में इन्वेस्टमेंट या बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं आपके एटलीस्ट गोवा को टेक्नोलॉजिकली साउंड करने के लिए, आर यू ऑन रोड टू डू दैट इन कमिंग ईयर्स, इन ए फ्यू ईयर्स टाइम, दैट यू विल बी एबल टू से कि हमने टेक्नोलॉजिकली साउंड अब गोवा को ऐसा कर दिया कि कोई अगर वर्क फ्रॉम गोवा करना चाहता है, जैसा कि एक मूवमेंट है पूरा का पूरा वर्क फ्रॉम गोवा पैंडेमिक के जमाने में, या इंटरनेट से कनेक्टेड रहना चाहता है गोवा में, तो किसी भी हिस्से में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी? आर यू ऑन दैट रोड? यस, आपने जो बात कही है कि वर्क फ्रॉम गोवा, इसी के ऊपर हम हर घर फाइबर, जैसे हर घर नल से जल, वो स्कीम तो हमने कंप्लीट कर दी है, और अभी इस टेन्यूअर में आगे आने वाले 2 साल में हम हर घर फाइबर लोगों को देना चाहते हैं। तो फिर डेफिनेटली स्टेट टेक्निकली हम टेक्नोलॉजिकली हम साउंड करना चाहते हैं, क्योंकि हर घर फाइबर लोगों तक पहुंचाया तो फिर एनीवन कैन वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम गोवा, इस तरह से एनवायरमेंट हम करना चाहते हैं। एट प्रेजेंट विद द टूरिज्म एंड आईटी इंडस्ट्रीज दोनों को हम साथ में मिला के, यानी हम जैसे सोचते हैं कि गोवा राज्य इस देश के पर्यटन की राजधानी बने, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली आगे विद द हेल्प ऑफ द डबल इंजन हमने आज तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और आईटी टेक्नोलॉजी में भी हम विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ये मुझे आशा है। और पोल्यूशन मुक्त स्टेट बनने के लिए तो मुझे वेरी आई फील प्राउड, क्योंकि इतना तो सही है कि गोवा में कम से कम दिल्ली जितना पोल्यूशन तो नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा उनके बारे में। बट डॉक्टर सावंत, थैंक यू वेरी मच फॉर टू यू स्पेशली कमिंग फ्रॉम गोवा, एंड दैट वर्क फ्रॉम गोवा का कैंडिडेट नंबर 1 इज मी। थैंक यू। तो फिर मैं आप सभी लोगों को, जी हाँ बिल्कुल, कम से कम जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कम से कम हमने इस आजादी के 75 साल में देश में 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो देखना चाहिए, उसमें से एक आपका गोवा जरूर हो, इतना जरूर बता दूंगा। और जय हिंद, जय भारत।